पूरे देश में बचपन बचाओ आंदोलन चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत बच्चों को उनका अधिकार देने के लिए सरकार के दिशा निर्देश पर रेल प्रशासन काम कर रहा है। रेलवे प्रशासन को ये सूचना मिली कि रेलवे स्टेशन पर आने वाली गाड़ी में 10 से 15 बच्चे सवार हैं। इन सभी बच्चों को मजदूरी के लिए कहीं लेकर जाया जा रहा था, जिस पर आरपीएफ इंस्पेक्टर ने उन बच्चों को ट्रेन से उतारा और चाइल्डलाइन हेल्पलाइन पर फोन कर इन बच्चों को चाइल्डलाइन के हवाले किया। रेलवे सुरक्षा आयुक्त का ही कहना है कि लगातार बच्चों का बचपन बचाने के लिए रेल प्रशासन काम कर रहा है। इसी श्रृंखला में 10 से 15 बच्चों को पकड़ा गया है। इन सभी बच्चों को चाइल्डलाइन के हवाले किया गया है। कल रात बचपन बचाओ आंदोलन का प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर उत्तर प्रदेश का देशराज सिंह जी, उन्होंने ये सूचना दिया था, मतलब ये जनसेवा गाड़ी में 15-20 बच्चा लोग वो आ रहे हैं, मतलब हो सकता है इसका ट्रैफिकिंग का मामला आ रहा है। सो इसी के वजह से इंस्पेक्टर मुरादाबाद का हम लोगों ने सूचना दिया और बचपन बचाओ आंदोलन, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और हमारा लोकल पुलिस का एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट सारे लोग का सूचना देके वो गाड़ी का आज सुबह अटेंड किया। उस समय में 15 लोग का 15 बच्चा हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है। फिर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का चेयरमैन अमित कौशल जी ने इंक्वायरी करने के बाद वो पता चला 6 बच्चा लोग का कोई गार्डियन नहीं था साथ में, सो उनका उतार के फिर रेलवे चाइल्ड हेल्पलाइन के पास हैंड ओवर हुआ है अभी। तो कहाँ से ये बच्चे आ जाते हैं और कहाँ जा जाते हैं कुछ पता चला है? नहीं, वो अभी इंक्वायरी स्टेटस में है। सो अभी तक उसका ये बाराबंकी टू अमृतसर से जाने वाली गाड़ी है। अब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में ये पता चला ये अमृतसर जा रहा है, लेकिन आप फर्दर इंक्वायरी में पता चल जाएगा ये क्या है, किसके मतलब कौन इसके पीछे में है।